सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बना रहे हैं हलवाई स्टाइल रायता, जो हम लोग भंडारे में या बाज़ार में खाते हैं तो उसमें हमें बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आता है। जो चलिए देखते हैं हलवाई लोग क्या डालते हैं उसमें तड़के में। ये लिया है मैंने लगभग आधा किलो दही। इसको सबसे पहले मैं छन्नी में छान लूँगी। दही को हम मथनी से मथ भी सकते हैं और हलवाई लोग कपड़े से भी छानते हैं ताकि एकदम स्मूथ दही हमें मिल जाए, लेकिन ये सबसे इजी तरीका मुझे लगता है। छन्नी में से छान लेने से काफ़ी अच्छा सा स्मूथ दही हमारे पास हो जाता है। ये देखें, ये छानने से एकदम बढ़िया सा स्मूथ दही हमारे पास हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। ये दही वाले बर्तन को ही मैंने धो के इसमें पानी डाल दिया है। पानी थोड़ा सा और डाल देंगे। ये देखें, काफ़ी पतला कर लिया है। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ये बूंदी। ये बूंदी मैंने घर पे ही बनाई है। आप घर पे बनाएं या बाज़ार की, कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। बूंदी अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा जितनी भी आप डालना चाहे डाल सकते हैं। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये कटा हुआ हरा धनिया। बहुत कम चीज़ें डालूंगी मैं रायते में और आपने एक भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, क्योंकि इन सब चीज़ों से ही इसमें टेस्ट आएगा। धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आता है धनिया। और इसमें मैं डाल रही हूँ ये काला नमक। धनिया में थोड़ा सा और डाल देंगे, धनिया इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसको हम थोड़ी देर छोड़ देंगे, ये बूंदी इसी में फूल जाएगी तो रायता हमारा थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा। अब हम लगाएंगे रायते को तड़का। अब देखते हैं हलवाई किस चीज़ का तड़का लगाते हैं जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर रायते में हमें आता है। ये पैन कर लिया मैंने गर्म। इसमें मैं डाली हूँ लगभग 2 बड़े चम्मच ऑयल और इस तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। अब ये तेल गर्म हो गया, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा और जीरे को हमें बिल्कुल काला करना है। अब ये जीरा हमारा काफ़ी अच्छे से लाल हो गया है। अब मैं कर रही हूँ फ्लेम बंद। अब फ्लेम बंद करने के बाद हम इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको हिला लेती हूँ कि तेल हल्का ठंडा पड़ जाए और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये हींग। हींग ही वो चीज़ है जो हलवाई लोग डालते हैं तो बड़ा अच्छा फ्लेवर दही में आता है। और इसको बस कुछ सेकंड तक हम तेल में पकाएंगे और उसके बाद ये जाएगा सीधा दही के अंदर। जो आलू पूड़ी के साथ सर्व किया जाता है भंडारे में और बहुत ही अच्छा लगता है। ये रायता थोड़ा सा पतला ही रखा जाता है जिसको पीते हैं हम लोग, गिलास से पिया जाता है। आलू पूड़ी के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो कैसा लगा आपको आज का रायता? पसंद आया तो फैला दीजिए इस रायते को और वीडियो को कीजिए शेयर और लाइक। चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।